गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जो पढ़ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम पैटर्न के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें आज क्लास नंबर 3 है। तो प्रीवियस 2 क्लास हो गई है, आज क्लास नंबर 3 के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं 36 से आगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 के अंदर लिखा हुआ है विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन बी की कमी से एनीमिया होता है। तो विटामिन बी से कोई ऐसा रिलेटेड नहीं है, बट इसमें देखिएगा कि विटामिन बी ट्वेल्व तो बी ट्वेल्व की कमी से जो एनीमिया होता है वो एनीमिया होता है पर्नीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसको विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से जो होता है पी बी ट्वेल्व, आपको ऐसे याद रखना PB12 है ना, मतलब B12 की वजह से कौन सा एनीमिया होता है, पर्नियस एनीमिया होता है। और यदि एग्ज़ाम के अंदर पर्नियस नहीं है तो क्या लिखना है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पर्नियस एनीमिया। किसकी कमी से, विटामिन B12 की, यहाँ B नहीं है, यहाँ पे B12 होना चाहिए, B12। तो ऐसे आपको याद रखना है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आयोडीन की कमी से होता है, लैक ऑफ द आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंगा रोग होगा, जिसको बोलते हैं गोइटर, है ना, घेंगा रोग ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 36 का रहेगा, गोइटर या घेंगा रोग। नेक्स्ट है विटामिन के इज़ फाउंड मेनली इन, विटामिन के होता है 38 का, तो विटामिन के मोनली किस में पाया जाता है, पालक है, पत्ता गोभी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं ना, उसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन के है मोस्टली, इसके अंदर लिखो पालक, पत्ता गोभी, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो विटामिन के पालक या पत्ता गोभी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेरी बेरी की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है ना, B1 जिसमें मैंने आपको पहले लिखाया था थियामाइन की कमी से जो रोग होता है वो B1 मतलब बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है डॉर्स यानी किसका ट्रीटमेंट है, डॉर्स है एक क्षय रोग, हिंदी में लिखना है क्षय रोग, ये है किसका है 40 का, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट है। तो ये है टीबी के लिए है, पहले भी क्वेश्चन आया था टीबी को ठीक करने के लिए डायरेक्ट जो डॉस थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध अंडे मांस मछली आदि से प्राप्त होते हैं, इससे क्या प्राप्त होता है, जो दूध इससे क्या है, विटामिन ए। तो ये सारे के सारे सोर्स क्या है, मिल्क पोल्ट्री मीट या फिश आर रिच इन विटामिन ए, क्या है, विटामिन ए के अंदर होते हैं ये सब, इससे क्या मिलता है, विटामिन ए। तो ये विटामिन ए का क्या है, रिच सोर्स है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो 41 का आंसर क्या रहेगा, विटामिन ए। नेक्स्ट, ऑस्टियोमलेशिया रोग की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया, देखो जिस वर्ड के आगे ऑस्टियो आता है, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन, ध्यान रखना है ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन, और जिस वर्ड में मलेशिया आ रहा है उसका मतलब होता है सॉफ्ट होना, है ना, सॉफ्ट है ना, तो सॉफ्ट
मतलब एक मुलायम होना, ठीक है ना, मतलब हड्डियाँ क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है, टूट जाती है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, विटामिन डी, ठीक। तो 42 का क्या रहेगा, विटामिन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, स्कूल जाने वाले बालकों की सामान्य स्वास्थ्य समस्या क्या क्या हो सकती है। तो जो स्कूल एज बच्चे हैं उनको एनीमिया हो सकता है, मोस्टली जो होता है बच्चों के अंदर देखने को मिलता है एनीमिया। और दूसरा है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, खून की कमी और कुपोषण, ये दोनों हो सकते हैं स्कूल एज बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त परिसंचरण में सहायता करता है, हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर सीरम होता है, क्या पाया जाता है, सीरम। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है और क्लॉट होने के बाद में जो रिमेनिंग जो पानी वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, जैसे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉट होने वाले होते हैं, तो उस क्लॉट होने वाली जो सेल होते हैं वो ना होकर के इसके अंदर, ब्लड के अंदर जो पानी होता है उसको बोलते हैं सीरम। और ये सीरम क्या करता है, ये लिक्विड जो जल का पार्ट होता है और ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा आंसर क्या रहेगा, सीरम। हिंदी में भी आप सीरम लिख सकते हो, सीरम हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा, डेंगू फीवर एंड हेमरेजिक फीवर इज कॉज्ड बाय। इसके अंदर जो डेंगू फीवर किसके द्वारा होता है, एडीज एग्यूपटाई मॉस्किटो, है ना, एडीज लिख लीजिएगा, एडीज एग्यूपटाई मॉस्किटो, ठीक है ना, इसके द्वारा क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो ये डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा होता है, एडीज एग्यूपटाई मॉस्किटो के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ई की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है ना, मसल्स वीकनेस होती है, जिसको बोलते हैं पेशीय क्षीणता, ठीक है ना, मसल्स वीकनेस लिख लीजिएगा, MUSCLE, मसल्स वीकनेस रहेगी, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डिप्थीरिया रोग के द्वारा होता है, डिप्थीरिया का कैजुटी ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्थीरिया का कैजुटी ऑर्गेनिज्म है कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉज्ड बाय डिप्थीरिया, ठीक है ना। तो डिप्थीरिया है वो रोग पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कॉर्ने बैक्टीरिया डिप्थीरियाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा है कोलेरा के बारे में बताएं तो विवरियो कोलेरा, और डिप्थीरिया के बारे में बोले तो कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष तक के बच्चों में जो डेथ हो जाती है उसका जो मेन कारण होता है वो होता है, जो 5 साल तक के बच्चों की में डेथ होती है तो वो होता है, इसमें एक तो होता है माल न्यूट्रिशन, दूसरा रहेगा डायरिया। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण और डायरिया का मतलब दस्त। तो दस्त है, कुपोषण है, इनकी वजह से जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर में खून जमने के लिए विटामिन आवश्यक होता है, कौन सा विटामिन, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के अंतर्गत आता है, और विटामिन के है वो क्या है, ब्लड का क्लॉट बनाता है, न्यूबॉर्न के अंदर जो विटामिन के
लीवर इमेच्योर होने की वजह से विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। क्योंकि ये विटामिन के क्या करता है, कोगुलेशन मतलब ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्पफुल रहता है, ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्पफुल रहता है। इसलिए कौन सा विटामिन जो है कोगुलेशन जमने के लिए विटामिन हेल्पफुल है, वो विटामिन के। तो इसका आंसर रहेगा विटामिन के। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होती है वो क्या होगी, वो होगी रतौंधी, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, हिंदी में लिखिएगा रतौंधी, 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 रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं, कीट नियंत्रण की विधियां हैं जो मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल आर। तो कीट नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरा है एनवायरमेंट कंट्रोल, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, खुद अपने ध्यान रखेंगे, दूसरा एनवायरमेंटल कंट्रोल रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, कीट नियंत्रण। यह है, ये इनकी जो पेस्ट कंट्रोल का मेथड है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक तो है व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरा है एनवायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो इसके आंसर ये राइट रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सोर्स ऑफ रिफ्यूज आर, है ना, कौन कौन से कचरे का स्रोत है जिसके अंदर आपने देखा होगा, जहाँ पे जो रहते हैं लोग रहते हैं आवासीय, तो इसके अंदर आपको लिखना है आवासीय, आवासीय जो घर बना के रहते हैं वो कचरे पैदा करते हैं, घरों में तो क्या होता है, कचरा ही पैदा होता है, तो ये कचरा होता है। दूसरा है औद्योगिक मतलब फैक्ट्री, है ना, जो इंडस्ट्री एरिया है औद्योगिक, औद्योगिक, तो दो बातें ध्यान रखना है, एक तो आवासीय, दूसरा है औद्योगिक, तो वहाँ पे ये कचरा के क्या क्या है स्रोत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर, तो हेल्थ के कौन कौन से जो डायमेंशंस है, जिसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन है, इसमें दो लिखना है, एक तो शारीरिक और एक सामाजिक, तो इसके लिए अंदर लिखिएगा, एक में लिखिएगा शारीरिक, शारीरिक, दूसरा है सामाजिक, शारीरिक सामाजिक, सोशल एंड फिजिकल, ठीक है। तो ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कोलेस्ट्रॉम में, कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन एंड, किस किस में कोलेस्ट्रॉम होता है। देखो कोलेस्ट्रॉम होता है फर्स्ट मदर के द्वारा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जब बेबी होता है तब उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, और कोलेस्ट्रॉम के अंदर सबसे पहले ज़्यादा होता है, उसके अंदर होता है फैट, क्या होता है फैट, और दूसरा क्या होगा प्रोटीन, फैट और प्रोटीन, ये दोनों ही ज़्यादा होते हैं कोलेस्ट्रॉम के अंदर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉम होता है फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद में जो मिल्क से जो फर्स्ट जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, और कोलेस्ट्रॉम का जो कितने दिन होता है, 3 दिन का मिल्क होता है, फर्स्ट 3 डेज तक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, माइल्ड डायरिया कैन बी ट्रीटेड बाय, हल्का सा जो है साधारण डायरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए और क्या देते हैं, ओ आर एस का घोल पिलाया जाता है, उसे डायरिया क्या होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थंब सकिंग इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, ये थंब सकिंग, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं अंगूठा सूसना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये आम बात है, इसमें क्या लिखोगे, आम बात है, क्या है, आम बात है ना, थंब सकिंग क्या है, एक आम बात है। कोलेरा के द्वारा होता है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, मैंने आपको पहले भी लिखाया था कोलेरा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा,
विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा से जो कोलेरा डिजीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ए डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर एन एडल्ट इन ग्राम। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली कितनी होती है, 400 से 500 mg, ठीक है ना, mg होता है डेली रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम का, वो होता है 400 से 500 mg, 400 से लेकर के 500 mg तक होता है, ठीक है, मिलीग्राम। तो ये डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, ठीक है ना। यदि प्रेग्नेंट लेडी की बात करेंगे या इन्फेंट की बात करें तो जो रेंज है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एन डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इन एडल्ट इंटरनेशनल यूनिट। एडल्ट के अंदर इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट होती है, वो भी होता है 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनिट कितना होता है, विटामिन ए की डोज की रिक्वायरमेंट 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ऑफ ब्लड, है ना। इसमें विटामिन के ये किसके लिए है, ये है थ्रोम्बस बनाने के लिए, थक्काकरण के लिए विटामिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोगुलेंट फैक्टर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिखो थक्काकरण, थक्काकरण ऐसे लिखो, या थ्रोम्बस, थ्रोम्बस। विटामिन के का क्या काम होता है, थ्रोम्बस करने का काम, ब्लड का क्लॉट बनाना, या लिख दो ब्लड का क्लॉट बनाना, ठीक है। कोलेरा का उद्गम काल मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कोलेरा का कितना होता है, कोलेरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है आईपी होता है, वो होता है 2 से लेकर के 5 दिन, 2 से लेकर के 5 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोयाबीन का एक उत्तम स्रोत है, सोयाबीन एक प्रोटीन का है ना, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है, तो ये एक प्रोटीन का क्या है, उत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों में कितनी पॉपुलेशन होती है। मैंने पहले ही बताया था कि सब सेंटर होता है, उसमें जो हिली एरिया है, हिली एरिया होता है वहाँ पर 3000 पॉपुलेशन, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे कितनी होती है, 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर खोला जाता है। यदि ये रेंज की बात करें कि 3000 से 5000 की पॉपुलेशन सब सेंटर पे होती है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 3000 से 5000 की जहाँ पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे सब सेंटर खोला जाता है, और सब सेंटर के लिए वो भी थोड़ा रेंज की बात करें तो 3000 पॉपुलेशन जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिली एरिया है वहाँ पे, और 5000 की पॉपुलेशन जहाँ पे प्लेन एरिया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये उपकेंद्र खोले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्वस्थ बुजुर्गों की देखभाल को कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा गेरियाट्रिक केयर होती है, गेरियाट्रिक नर्सिंग होती है, तो आजकल वार्ड भी हो गए, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, जो अनहेल्थी होते हैं, तो उनको किस वार्ड में रखते हैं, गेरियाट्रिक के अंदर, ठीक है ना, गेरियाट्रिक वार्ड होते हैं उसमें रहते हैं, तो अस्वस्थ बुजुर्गों की देखभाल को बोलते हैं गेरियाट्रिक, है ना, तो उसको बोलते हैं गेरियाट्रिक। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, अपनी रासायनिक संरचना को बदले बिना पानी में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो केमिकल चेंज नहीं होते हैं इसमें होती है डायरेक्ट अपने अल्ट्रा वायलेट रे हैं, वो क्या करता है, कोई भी अपनी रासायनिक स्ट्रक्चर को बदले बिना क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो कौन सी रे है, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। आंवला एक उत्तम स्रोत है, किसका है, विटामिन सी का, तो आंवला में सबसे ज़्यादा, आंवला से क्या मिलता है, विटामिन सी, जितने भी सिट्रिक फ्लूड होते हैं, तो आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के प्रकार है। तो इसमें क्या प्रकार है, एक तो है मौखिक और एक है लिखित, है ना, इसके अंदर आप लिखिएगा रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के प्रकार, एक तो होता है मौखिक,
एक होता है लिखित, लिखित मौखिक को बोलते हैं वर्बली और वर्बली, ठीक है ना, और लिखित को बोलते हैं रिटन। बहुत सारे रिपोर्ट्स के प्रकार होते हैं, बट इसको दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक फ्रिक्शन में, शारीरिक फ्रिक्शन के प्रकार हैं, तो इसके अंदर शारीरिक फ्रिक्शन के अंदर फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर इंस्पेक्शन पहला है, बहुत सारी विधियाँ हैं, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन दूसरा है पाल्पेशन, पाल्पेशन तीसरा है परक्यूशन, परक्यूशन और चौथे नंबर पे हैं अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन ए यू एस सी यू एल टी ए टी आई ओ एन अस्कल्टेशन, ठीक। तो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन ये क्या है, ये अपने जो है फिजिकल असेसमेंट करने के टाइप्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तो इसके अंदर दो लिखना है या चार लिखना है या सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना, जो ज़ेरोफ्थैल्मिया डिजीज है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड, जिसमें अपने आज 69 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको आंसर को देखिए और उसको कर लीजिएगा।